सुब्रमण्यम चंद्रशेखर खगोल भौतिक शास्त्री थे और सन 1983 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। उनकी शिक्षा चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई। वह नोबेल पुरस्कार विजेता सर सी वी रमन के भतीजे थे। बाद में डॉक्टर चंद्रशेखर अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने खगोल भौतिक शास्त्र तथा सौरमंडल से संबंधित विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने व्हाइट डार्क यानी श्वेता बोने नामक नस्त्रों के बारे में सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन नस्त्रों के लिए उन्होंने जो सीमा निर्धारित की है उसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। उनके सिद्धांत से ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में अनेक रहस्यों का पता चला। 20वीं शताब्दी के महत्तम वैज्ञानिक में से एक वैज्ञानिक सुब्रमण्य चंद्रशेखर अपने जीवन काल में ही एक किंवदंती बन गए थे। कामेश्वर सी वाली चंद्रशेखर के जीवन के बारे में लिखते हैं कि विज्ञान की खोजों में असाधारण समर्पण और विज्ञान के नियमों को अमली रूप देने और जीवन में निकटतम संभावित सीमा तक उसके मानव का आत्मसमर्पण करने में वह सबसे अलग दिखाई देते हैं। उसके बहुसर्जक योगदानों का विस्तार खगोल भौतिक भौतिक विज्ञान और वैदिक गणित तक था। उनका जीवन उत्पत्ति का सर्वोच्च उदाहरण है कि कोई किसी की भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, बसत की उसमें संकल्प शक्ति योग्यता और ध्येय हो। उसकी यात्रा आसान नहीं थी, उन्हें सब प्रकार की कठिनाइयों को जूझना पड़ा। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें भारत जहां उनका जन्म हुआ, इंग्लैंड और यूएसए की तीन आध्यात्मिक भिन्न संस्कृतियों की जटिलताओं द्वारा आकार मिला। वह मानव की साझी परंपराओं में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा था, तथ्य यह है कि मानव मन एक ही तरीके से काम करता है। इसमें हम पूर्ण अस्वस्थ होते हैं कि जिन चीज़ों से हमें आनंद मिलता है वे विश्व हर भाग में लोगों का आनंद प्रदान करती है। हम सबका सजा हित है और इस तथ्य से इस बात को बल मिलता है कि हमारी एक सजी परंपरा है। वह एक महान वैज्ञानिक, एक कुशल अध्यापक और दुर्ज्ञ विद्वान है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का जन्म लाहौर में 19 अक्टूबर 1910 हुआ था। उसके पिता सुब्रमण्य अय्यर सरकारी सेवा में थे। सर सी वी रमन विज्ञान में पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता चंद्रशेखर के पिता के छोटे भाई थे। चंद्रशेखर बलिया जीवन चेन्नई में बीता। 11 वर्ष की आयु में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में उसने दाखिला लिया, जहां पहले 2 वर्ष उसने भौतिक, केमिस्ट्री, अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन किया। चंद्रशेखर ने 31 जुलाई 1930 को उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड का प्रस्थान किया और इस प्रकार एक लंबा और शानदार वैज्ञानिक करियर आरंभ किया। 65 वर्षों तक विस्तृत था। पहले 4 वर्षों को छोड़ उसने शिकागो विश्वविद्यालय में काम किया। अपनी शानदार खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए वह अध्यात्मिक प्रसिद्ध है। उन्होंने दिखाया कि एक अध्यात्मिक विज्ञान है जिसे इलेक्ट्रॉनों और परमाणु नाभिकों द्वारा बनाए दबा धारक गुरुत्व के विरुद्ध सहारा दिया जा सकता है। इस सीमा का मान एक सौर द्राघ्यमान से लगभग 1.44 गुना है। 1930 में चंद्रशेखर ने इसकी व्युत्पत्ति की, जबकि वह एक विद्यार्थी ही थे। तर्कीय विकास की जानकारी प्राप्त करने में चंद्रशेखर सीमा एक निर्णय भूमिका निभाती है। यदि एक तारे का द्रव्यमान इस सीमा से बढ़ता है तो तारा एक सफ़ेद बोना नहीं बनेगा। यह गुरुत्वाकर्षण की शक्तियाँ के आध्यात्मिक दाब के अंतर्गत टूटता रहेगा। चंद्रशेखर सीमा के प्रतिबंध के फलस्वरूप न्यूट्रॉन तारों और काले गड्ढों का पता चला है। यह पता चला कि तारे स्थिर होते हैं और वे समाप्त नहीं होते, क्योंकि भितारी दाब परमाणु नाभिका और इलेक्ट्रॉन के तापीय संचालन और नाभिकीय प्रतिकिंबाओं द्वारा उत्पन्न वक्रीकरण के दब से भी गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करते हैं। नाभिकीय प्रतिक्रिया बंद हो जाएगी और इसका अर्थ यह होगा कि गुरुत्वाकर्षण का मुकाबला करने के लिए भीतरी दब नहीं होंगे। द्रव्यमान के आधार पर एक तारे के 3 संभावित चरण होते हैं, 1 सफ़ेद बोना, 2 न्यूट्रॉन तारा, 3 काले गड्ढे। चंद्रशेखर को संयुक्त रूप से नाभिकीय खगोल भौतिकी W.A. फाउलर के साथ 1983 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनके काम के विस्तार में भौतिक विज्ञान, खगोल भौतिक और व्यवहारिक गणित शामिल है। उनके अपने शब्दों में, मेरे जीवन में 7 काल आए और विश्व समृद्ध रूप में है। 1 तर्कीय ढांचा सफेद बोनों का सिद्धांत सहित, 2 तारकीय घातिक बाउमिन संकलों के सिद्धांत सहित, 3 विकिकरण अंतरण का सिद्धांत, प्रतिक्रियाण और सौर प्रकाशित आकाश के ध्रुवण का सिद्धांत, गुहिया और तारकीय वातावरण के सिद्धांत और हाइड्रोजन के नकारात्मक आयन का परिणाम, 4 हाइड्रोगतिक और हाइड्रोचुंबकीय स्थिति संप्रयोगता की दुर्दृढ़ आकृति का संतुलन और स्थापित,